अगर 2024 में जो लोकसभा चुनाव का चर्चा हो रहा है और 2025 के नवंबर में ही होता है ना, अक्टूबर नवंबर में होता है, बिहार का विधानसभा चुनाव भी अगर एक साथ हो जाए, चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का फोकस होगा कहां, इनके लिए प्रायोरिटी क्या है, बिहार का 40 लोकसभा या बिहार की 243 विधानसभा की सीट। नीतीश कुमार ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया था कि 25 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव करेंगे, मतलब उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए तेजस्वी यादव पर। अगर इलेक्शन होता है 6-8 महीने के अंदर में बिहार के विधानसभा का, तो लालू यादव कम से कम, तेजस्वी का छोड़िए, लालू यादव कम से कम नीतीश कुमार को नहीं चाहेंगे कि वो गए। अगर ये बिल पास हुआ, कानून बना, तो अब नीतीश कुमार के सामने लिटमस टेस्ट हो जाएगा नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार के कथनी और करनी में कितना समानता है और कितना अंतर है। लोकसभा के लिए कुछ पे भी किसी भी लेवल पर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी नीतीश कुमार के साथ, विधानसभा में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। भाई लालू यादव क्या पिछले एक साल के पूरे प्रोसीजर को देखिए, जब वो राजनीति कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि तेजस्वी यादव सीएम गद्दी पर बैठ जाए, उनको लोकसभा से कोई लेना देना नहीं। क्या ये नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को ही आगे कर दे? कहा जाता है ना कि नेता के भविष्य को समझना, इतिहास को देखिए। अगर इनको ये जो बार बार कहते हैं कि 2020 में हमको जबरदस्ती गद्दी पर बीजेपी वाला बैठा दिया सब, अगर आपको जबरदस्ती ही बीजेपी वाले बैठा है तो 2022 में आपने तो फिर तख्ता पलट दिया, तो आप तेजस्वी को सीएम पद दे देते। कि क्या ग्राउंड पर जनता जो है वो राजद और जदयू के गठबंधन को एक्सेप्ट कर रही है, ये सवाल नीतीश कुमार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। दूसरी बार जो बैठक विधायकों से मिले अपने, उसमें भी सवाल उन्होंने किया, सब संभव है। नीतीश अकेले जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं चुनाव में। नीतीश कुमार को जब लग जाएगा कि हमारा गद्दी ही खतरा में है, तो किसी को मत बनने दो सीएम, हंग असेंबली कर दो। नीतीश कुमार सीएम कुर्सी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देश चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, निर्वाचन आयोग, वो अपने कर्मचारियों और अधिकारियों का जो ट्रेनिंग होता है चुनाव से पहले, जो कि नवंबर दिसंबर में होना था, उसे वो जुलाई अगस्त में ही करा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। 2024 चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मी मची हुई है। इंडिया की बैठक मुंबई में हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में कल एक समाचार आया, खबर आई कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच। जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि संसद में इस बार, नए संसद भवन में इस बार वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। यानी कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर विधानसभा के लिए चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। चर्चा चल रही है, तो चर्चा यह भी जरूरी है कि बिहार में क्या होगा, क्योंकि बिहार में बता दें आपको, महागठबंधन की सरकार है अभी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के लिए तेजस्वी यादव का नाम एक तरह से घोषित कर चुके हैं कि 2025 के चुनाव में यही जिम्मेवारी संभालेंगे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर दिसंबर जनवरी में बिहार में भी विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो किसके चेहरे पर यह चुनाव होगा? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आगे करके चुनाव में भाग लेंगे, या फिर नीतीश कुमार ही चुनाव में खड़ा होंगे और आरजेडी उनका समर्थन करेगी, या फिर दोनों दल अलग अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं? तो क्या इसके परिणाम हो सकते हैं अगर विधानसभा के चुनाव भी एक साथ कराए जाते हैं, और इसका असर साथ में ही होने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उदित, हम जानना चाहेंगे लोकसभा और विधानसभा को लेकर करते हैं कि अगर एक साथ दोनों होता है चुनाव, तो कितना ईमानदारी से और कितना कहा जाए तो जुझारू ढंग से आरजेडी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और कितना फोकस रहेगा विधानसभा चुनाव पर, कैसे आप देख रहे हैं इसे? देखिए, 9.5 साल लगभग नरेंद्र मोदी की सरकार को पूरा हो चुका है, और इसमें विशेष सत्र बुलाना खुद में एक बहुत बड़ा सांकेतिक मैसेज है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके पहले अभी तक एक ही बार हुआ है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था, वो भी रात के 12 बजे 30 जून 2017 को, जब जीएसटी का बिल लाना था, बस एक वही हुआ है जब विशेष सत्र बुलाया गया। लेकिन कल शाम के बाद से, जब से ये खबर लीक हुई है, जब से खबर लीक नहीं हुई है, ये खबर सार्वजनिक हो गई है कि अब अगले कुछ दिनों के अंदर 5 दिन का विशेष सत्र जो है, स्पेशल सेशन जो है, 18 से 22 सितंबर लोअर हाउस जो लोकसभा है वो करने जा रही है। अब इसके बाद से चर्चा है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, जिसकी बात लगभग हर सार्वजनिक मंच से नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, क्या सच में वो लागू होने जा रहा है? लागू अगर होता है तो किस तरह लागू होगा?
क्योंकि देखिए समय से पहले चुनाव कराना इस देश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, तीन बार हो चुका है लोकसभा के संदर्भ में हम बात करें तो। पहला बार 1971 में हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, सरकार उनकी फिर से रिवाइव कर गई थी, मतलब कांग्रेस को इसका फायदा मिला था। दूसरी बार राजीव गांधी की सरकार 1999 में लोकसभा का चुनाव पहले करवाया गया, और तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में भी लोकसभा से पहले ही वो चुनाव करा चुके हैं। तो इसका जो प्रावधान है वो संविधान में दिया हुआ है कि केंद्र की सरकार अगर पूर्ण बहुमत की है तो वो चाहे तो इसकी समय से पहले चुनाव करा सकती है। तो इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं करेगा कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो वो चुनाव समय से पहले करवा सकते हैं। अब चुनाव करवाना और इसके लिए एक नियम बना देना बजाबते, जो नियम अब बनने जा रहा है, कानून का रूप ले सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन, देश के 28 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश और पूरा देश का जो एक लोकसभा चुनाव जनरल इलेक्शन होता है वो एक साथ होगा। आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है आज के संदर्भ में कि अगर 2024 में जो लोकसभा चुनाव का चर्चा हो रहा है और 2025 के नवंबर में ही होता है ना, अक्टूबर नवंबर में होता है, बिहार का विधानसभा चुनाव भी अगर एक साथ हो जाए, हम अगर एक अजम्पशन मानते हैं कि ये बिल आया लोकसभा में पारित हुआ कानून बन गया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगले साल मार्च अप्रैल में जो वोटिंग होना है लोकसभा का, उसी समय बिहार का असेंबली मतलब हो जाएगा, असेंबली इलेक्शन जो है विधानसभा चुनाव वो हो जाएगा। तो अब यह हास्यास्पद भी है कि चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का फोकस होगा कहां, इनके लिए प्रायोरिटी क्या है, देश का लोकसभा यानी बिहार की 40 सीटें सभी क्षेत्रीय दल के लिए हो जाएगा। हम लोग बिहार कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बिहार का 40 लोकसभा या बिहार की 247 विधानसभा की सीटें, क्योंकि अंतोगत्वा परिणाम देखा जो गया है कि समय से पहले अगर इलेक्शन हो तो सरकार के पक्ष में ही गया है, दो बार तो कांग्रेस जीता है इसमें। तो आप समझिए कि अगर इन द केस चुनाव समय से पहले हुआ तो लोकसभा का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, इस बात से इनकार नहीं होगा। फोकस कहां होगा विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में साथ में अगर हो रहा है तो नीतीश और तेजस्वी का, तय सा बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है, यह कोई बहुत डिबेटेबल इश्यू नहीं है कि हमेशा इनके लिए कंटेक्स्ट बिहार रहेगा। बिहार के 247 सीटों में 122 सीट का बहुमत इनको चाहिए ताकि इनकी सरकार बन पाए, लेकिन पेच फंसेगा, अरेजी पेच फंसना तय है, क्योंकि यही पटना के बापू सभागार में आपको याद होगा हम लोग वहां मौजूद थे, नीतीश कुमार ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया था कि 25 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव करेंगे, मतलब उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए तेजस्वी यादव। उसके बाद ही पार्टी में टूट भी हुआ, उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, कई नेता सुहेली मेहता कई लोग अलग हो गए पार्टी से तेजस्वी यादव के नाम पर। अब समय आ रहा है, अगर ये बिल पास हुआ कानून बना तो अब नीतीश कुमार के सामने लिटमस टेस्ट हो जाएगा नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार के कथनी और करनी में कितना समानता है और कितना अंतर है। यही नीतीश कुमार है ना जो डंगे की चोट पर कहे कि हमारा अगला सीएम कैंडिडेट जो है वो तेजस्वी होंगे और तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 6 से 8 महीने के अंदर में वो समय आ रहा है। अब नीतीश कुमार को ये बात प्रूव करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो ये गठबंधन कितना टिकेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव फिर अगले 5 साल के लिए तैयार होंगे डिप्टी सीएम पद के लिए, वही सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा से इनको कोई रेलेवेंस नहीं है, लोकसभा में अगर इनको 40 में 20 सीट, इनका प्रधानमंत्री बनने का सपना क्या रहेगा, वो तो वैसे भी खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री बनने का सपना तो अभी कल की जो बैठक हुई 31 अगस्त को, उसमें तो सामने आ गया दृश्य कि पीएम का चेहरा चुनाव के रिजल्ट तक हम नहीं खोलेंगे, ये बात सामने आ चुका है, मतलब राहुल गांधी होंगे, सीधा सा हिसाब किताब है। जब पीएम फेस का डिक्लेरेशन ही नहीं होना है टिल द डेट ऑफ रिजल्ट लोकसभा इलेक्शन का, तो ये कैसे माना जाए कि नीतीश कुमार पीएम फेस ये वैसे भी नहीं बनना है। इनको पता है, आप नोटिस कीजिए ना, पिछले 6 महीने से इनकी पार्टी ही अब ये बात नहीं कह रही है कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जैसा हो, उसके पहले रोज पार्टी कार्यालय में नारा लग रहा है। बॉम्बे में तो पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन पोस्टर देश मांगे नीतीश, ये जदयू के लोग लगवाए होंगे पोस्टर, राहुल गांधी कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है, नीतीश कुमार को बखूबी ये बात पता है। तो आप ही सोचिए आदेश जी की प्रायोरिटी तो इनके लिए लोकसभा नहीं विधानसभा हो जाएगा। अब आपके सवाल पर आते हैं कि क्या 5 सालों के लिए फिर से, मतलब 2024 से 2029 तक के लिए, क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को फिर से सीएम एक्सेप्ट करेंगे, खुद को फिर से डिप्टी सीएम के रूप में देखेंगे? कतई नहीं देखेंगे। भाई लालू यादव क्या पिछले 1 साल के पूरे प्रोसीजर को देखिए जो वो राजनीति कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तेजस्वी यादव सीएम गद्दी पर बैठ जाए, उनको लोकसभा से कोई लेना देना नहीं। क्या ये नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को ही आगे कर दे, संभव लगता है आपको? नीतीश कुमार के, अगर कहा जाता है ना कि नेता के भविष्य को समझना है इतिहास को देखिए, अगर इनको ये जो बार बार कहते हैं कि 2020 में हमको जबरदस्ती गद्दी पर बीजेपी वाला बैठा दिया सब, अगर आपको जबरदस्ती ही बीजेपी वाले बैठाए तो 2022 में आपने तो फिर तख्ता पलट दिया,
डॉक्टर तेजस्वी को सीएम पद दे देते, खुद केंद्र की राजनीति में चले जाते। कहां गए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार का रेलेवेंस बिहार में तभी तक है जब तक ये सीएम है। जिस दिन ये डिथ्रोन हो गए, गद्दी से नीचे आ गए, गद्दी से उतर गए सीएम की कुर्सी से, फिर नीतीश कुमार को बिहार में इनकी पार्टी के लोग भी पूछेंगे कि नहीं ये सवाल है, क्योंकि सेकंड कैडर इन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। पार्टी का संगठन देखिए, पार्टी में संगठन होता है, बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी है, आरजेडी का भी एक छोटा मोटा संगठन काम करता है, तभी उसका वोट बैंक जो है एक फिक्स वोट बैंक है। जदयू का वो स्थिति नहीं है, जदयू का ना कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी है, ना तो वो समाजवाद के ही साथ है, ना तो राष्ट्रवाद। लेकिन एक और चीज उदित, एक और सिचुएशन सोचिए कि मानिए कि लोक विधानसभा का चुनाव साथ में होता है, 243 सीट है, हाँ। और नीतीश कुमार कहते हैं कि 2015 वाला ही फॉर्मूला अपनाया जाए, 101 पर आप, 101 पर हम, फिर नीतीश कुमार 40-50 सीट जीत जाते हैं, 60 सीट जीत जाते हैं, मानिए मानिए महागठबंधन को ही अगर बहुमत मिलता है, तो क्या वैसे परिस्थिति में नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम बनने देंगे या फिर तेजस्वी यादव फिर डिप्टी सीएम बन के रहेंगे? फिर तो सिचुएशन आज ही वाला आ जाएगा। देखिए स्थिति कोई भी हो, नीतीश कुमार कभी भी सीएम के गद्दी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सारा मंत्रालय हो सकता है आरजेडी को दे दे, सारे मंत्री आरजेडी के बन जाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर हमेशा नीतीश कुमार ही बनना चाहेंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर, तो ये आरजेडी स्वीकार करेगी इस बार? आरजेडी स्वीकार नहीं करेगी, वहीं पर पेश फंसेगा। देखिएगा आरजेडी कभी, भाई लालू यादव को पता है कि अब कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है, भले ही हेल्दी है, भगवान करे वो हेल्दी रहे, लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता अब वो पहले वाली नहीं है, और किसी तरह वो चाहते हैं कि अपने जीवित रहते भर में अपने बेटे को सीएम गद्दी पर बैठा दे। एक बार अगर वो गद्दी पर बैठ जाएंगे तो फिर कमांड उनके हाथ में चला आएगा बिहार का, उसके लिए लालू यादव प्रयासरत है। और 2029 तक के मतलब इंतजार कहिए, प्रतीक्षा कहिए, लालू यादव नहीं करेंगे। सरकार बने नहीं बने, त्रिशंकु हो जाए, हंग असेंबली हो जाए, सब मंजूर है लालू यादव को, लेकिन नीतीश कुमार को अब इस बार अगर इलेक्शन होता है 6-8 महीने के अंदर में बिहार के विधानसभा का, तो लालू यादव कम से कम, तेजस्वी का छोड़िए, लालू यादव कम से कम नीतीश कुमार को नहीं चाहेंगे कि वो गद्दी पर। लालू और तेजस्वी का तो बात हो गया, जनता और खासकर आरजेडी के वोटर अगर मानिए कि साथ में होता है, मान लीजिए कि तैयार हो जाते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव का, ठीक है चुनाव होने दीजिए, चुनाव के बाद निर्णय होगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्या उनके वोटर जो है उतने ही जोश से वोटिंग करेंगे कि ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर अगले 5 साल के लिए सीएम बन जाए? देखिए अभी 1.5-2 महीने पहले आदेश जी नीतीश कुमार का जो खबर आया कि सारे विधायकों को बुलाकर वो फीडबैक ले रहे हैं, सारे सांसदों को बुलाकर वो फीडबैक ले रहे हैं, उस फीडबैक में जो 2-3 सवाल पूछा गया उन सभी जनप्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से, विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, कोई भी हो, कि क्या ग्राउंड पर जनता जो है वो राजद और जदयू के गठबंधन को एक्सेप्ट कर रही है, ये सवाल नीतीश कुमार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। दूसरी बार जो बैठक विधायकों से मिले अपने, उसमें भी सवाल उन्होंने किया, क्योंकि नीतीश कुमार को सबसे बड़ा डर अभी बिहार में इसी बात को लेकर है कि क्या हमारे जो वोटर रहे हैं, जो हमारे पारंपरिक वोटर 2000, 2005, 2010, 2015 में जो हमको वोट करते आए हैं, एक सिलसिलेवार तरीके से वोट करते आए हैं, क्या वो लोग आज भी आरजेडी के साथ मेरे इस गठबंधन को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कभी ये 15 का चुनाव आरजेडी के साथ लड़े, 20 का चुनाव ये बीजेपी के साथ लड़े, और फिर 24 का चुनाव ये अलग गठबंधन में लड़ सकते हैं, तो इस तरह पब्लिक के बीच कितना इनका क्रेडिबिलिटी बचा है, इसके लिए वो बार बार विधायकों से पूछ रहे थे। तो ये सवाल जब नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों से पूछ रहे हैं, यही सवाल अब आरजेडी के वोटर्स भी पूछेंगे, क्योंकि आरजेडी के वोटर्स वोट करते हैं सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव का। 2020 में तो तेजस्वी अकेले लड़े, बावजूद इसके अकेले लड़ने के वो लगभग बहुमत के करीब पहुंच गए, इसलिए ये बड़ा सवाल रहेगा आरजेडी वोटर्स के बीच भी कि वो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि लालू यादव बार बार भले ही आश्वासन दे इस बात का कि हमारा सरकार बनेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन तेजस्वी बन नहीं पा रहे हैं। 15 हुआ, 17 हुआ, 20 हुआ, फिर 2200 में शपथ लिए तेजस्वी यादव, लेकिन डिप्टी सीएम का लिए। तो इसलिए ये बहुत रेलेवेंट सवाल आपने किया कि वोटर्स के बीच क्या मैसेज आएगा, वोटर्स को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि वोटर अब लालू यादव पर तो भरोसा कर रहे हैं लोग, लेकिन आरजेडी के वोटर्स को अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए, क्या नीतीश कुमार को इसका अंदेशा था? क्योंकि देखे तो नीतीश कुमार एक बैठक में, वो कब चुनाव हो जाए कौन जानता है, फिर से जो बहालियों का दौर देखे बिहार में, जिस तरह आनन फानन में बहाली कराया जा रहा है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार को इसका इंडिकेशन पहले से था और उसी को लेकर अपना जो है वो रिकॉर्ड बढ़िया कर रहे हैं, और जनता के बीच में जाने से पहले वो रोजगार को लेकर जो है वो जाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं क्या कि आधा ही समय मिला लेकिन हम आधा बहाली? देखिए सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं, अभी 4 दिन पहले ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस है उसके युवा विंग को संबोधित कर रही थी, उसने उन्होंने भी ये बात कहा है। कारण इसके पीछे क्या है कि कहीं से यह खबर लीक हो गया कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है निर्वाचन आयोग, वो
अपने कर्मचारियों और अधिकारियों का जो ट्रेनिंग होता है चुनाव से पहले, जो कि नवंबर दिसंबर में होना था, उसे वो जुलाई अगस्त में ही करा रही है। ये बात कहीं से लीक हो गया होगा और इसका अंदेशा नीतीश कुमार को लग गया, इसका अंदेशा ममता बनर्जी को लग गया और इसीलिए ये लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। और नीतीश कुमार ने तो चार बार कह दिया इस बात को, अपने अधिकारियों को तो कई बार वो कहे कि भाई सब जल्दी खत्म कराइए, चुनाव हो सकता है कभी भी। ये बात सही था, ये ग्राउंड पर ये बात। देखिए नीतीश कुमार बहुत दूरदर्शी नेता है। नीतीश कुमार कोई लालू यादव की तरह उस तरह का बयान नहीं देते हैं कि नैरेटिव पे चढ़ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उनके बात का मतलब होता है, अगर नीतीश कुमार किसी बात को कह रहे हैं तो उस बात को गंभीरता से लेना होता है। और देखिए सामने आया ये बात, सही कह रहे थे नीतीश कुमार कि जल्दी कहिए भाई विधानसभा का चुनाव, क्योंकि उनको लगा होगा ये बात कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो नरेंद्र मोदी करते हैं वो हो सकता है किया जाए, और अब सामने आ गया वो बात, तो ये संभावना है। क्या संभावना देख रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि महागठबंधन के बीच जो है जदयू और आरजेडी जो है, अगर चुनाव होता है दिसंबर जनवरी फरवरी 2024 में, तो तैयार नहीं होगा एक दूसरे को चेहरा बनाने को लेकर। नीतीश तेजस्वी को तैयार नहीं होंगे, तेजस्वी नीतीश को तैयार नहीं होंगे, तो ऐसे सूरत में क्या आप बिहार के विधानसभा का चेहरा जो स्वरूप जो है देखते हैं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़ेंगे, क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ लड़ेंगे, या फिर तीनों अलग अलग लड़ सकते हैं? क्या ये क्या सिचुएशन बनते हुए दिखाई? अच्छा, इसको आप इस तरह समझिए, 18 जुलाई को पिछले महीने आदेश जी दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक थी, 3 दर्जन के आसपास पार्टियां शामिल हुई। आपको याद होगा कि चिराग पासवान का एक बयान आया था कि लोकसभा की सीट और विधानसभा का सीट दोनों हम फाइनल करके निकले हैं। मतलब एनडीए कुनबे में इस बात की चर्चा पिछले कुछ महीनों से चल रही है कि सिर्फ लोकसभा को लेकर ही नहीं विधानसभा का सीट भी हम आपको इतना देंगे, ये अभी से तय कर लीजिए। अच्छा, क्योंकि बीजेपी का प्लान ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन कराना है, लेकिन इसका आभास विपक्षी दलों को नहीं हो पाया, इसका आभास विपक्षी दलों को नहीं हो पाया। और यही कारण है कि अब सीट शेयरिंग का बहुत रेलेवेंट सवाल है ये कि सीट शेयरिंग को लेकर भी मामला फंस सकता है। भाई कांग्रेस है, अब कांग्रेस में आप इंडिया अलायंस जो बनाए हैं, लोकसभा में आप 5, 6, 7, 8 सीट तक कांग्रेस को दे रहे हैं, तो कांग्रेस बोलेगा हमको फिर 70 सीट दीजिए 2020 की तरह। 70 सीट का डिमांड कर सकता है कांग्रेस, 101 और 101 सीट का जो फॉर्मूला है आरजेडी और जेडीयू का। नहीं, नीतीश कुमार कितने तैयार होंगे? अब बाद में सहयोगियों की बात पर बाद में आएंगे। क्या आप सिनेरियो देख रहे हैं 2024 में अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो नीतीश कुमार को लेकर जो है वो आरजेडी भी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए तैयार आप कह रहे हैं कि नहीं होगी? नहीं होगी। नीतीश कुमार तेजस्वी को चेहरा बनने नहीं देंगे, आप ही बता रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि नीतीश कुमार के सामने यह प्रॉब्लम आएगा तो क्या फिर से बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। बीजेपी उनको फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है? नहीं बनाएगी। नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या नीतीश कुमार अकेले चुनाव में जा सकते हैं कुछ गठबंधन बनाकर? क्या पूरा स्वरूप देख? देखिए सारी संभावना है, जितना का आप सवाल किए सब संभावना। नीतीश अकेले जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं चुनाव में। नीतीश कुमार को जब लग जाएगा कि हमारा गद्दी ही खतरा में है तो किसी को मत बनने दो सीएम, हंग असेंबली कर दो। नीतीश कुमार सीएम कुर्सी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आदेश जी, ये बात गांठ बांध ले बिहार की जनता, सारे पत्रकार। हम बीजेपी तैयार हो सकती है? बीजेपी तैयार नहीं होगी। अब आरजेडी भी तैयार? आरजेडी तो तैयार नहीं होगी। तो क्या अकेले नीतीश कुमार लड़ जा सकते हैं? भाई आप तीनों एंगल समझिए, बीजेपी क्यों तैयार होगी? बीजेपी इनको 2005 से अपने सर पर बैठा के ढो रही है और बार बार बीजेपी को दो बार धोखा मिल चुका अभी तक बीजेपी। और मैंने वो लाइन फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि अमित शाह उस गेट पे ताला मार के चाबी समुद्र में फेंक चुके हैं, एनडीए का गेट नीतीश कुमार के लिए नहीं खुलने वाला, ये मान लीजिए इस बात। अगला चुनाव में फिर चेहरा नीतीश कुमार को तो आरजेडी कभी नहीं बनाएंगे। बीजेपी पहले समझिए, बीजेपी नहीं बनाने जा रही है, मामला आरजेडी का है। आरजेडी में भाई तेजस्वी यादव को भी छोड़िए, लालू प्रसाद यादव अगले 5 साल तक मतलब 2029 तक नीतीश कुमार को सीएम क्यों बर्दाश्त करेंगे? आज लालू यादव बीच का भी रास्ता तो निकल सकता है कि 2.5 साल के लिए नीतीश रहे उसके बाद फिर तेजस्वी। पहले तेजस्वी 2.5 साल लेंगे, पहले तेजस्वी रहे तो नीतीश, तो फिर वही होगा कि अलग अलग चुनाव होगा, तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। तक बात हुआ है तो 25 तक नीतीश ही रह जाएंगे, आरजेडी इस पर तैयार नहीं होगी, ये आप शर्त लगा लीजिए कहीं लिखवा लीजिए। लालू यादव इसके लिए आरजेडी तैयार नहीं होगी, लोकसभा के लिए कुछ पे भी किसी भी लेवल पर आरजेडी कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी नीतीश कुमार के साथ, विधानसभा में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड नीतीश कुमार किसके साथ किस सहयोग अकेले लड़ेंगे चुनाव? अकेले हो सकता है, या फिर हो सकता है कि नीतीश कुमार कांग्रेस पप्पू यादव कांग्रेस क्या आरजेडी को छोड़कर इनके साथ आ सकती है? देखिए संभावना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुमकिन होता है, मुमकिन तो नहीं लगता है, लेकिन नीतीश ये पप्पू यादव फिर से मुकेश सहनी या इन लोगों के साथ मिलकर हो सकता है विधानसभा का चुनाव लड़े। और कोई ऑप्शन बच रहा है नीतीश कुमार के पास? लालू यादव तो कदी तैयार नहीं होंगे और बीजेपी का रास्ता बंद हो चुका है, और सीएम की कुर्सी का बात आएगा तो नीतीश चाहेंगे कि हंग असेंबली हो जाए अगर हमको बहुमत नहीं मिले तो, और बहुमत मिलने की स्थिति में अब जदयू है भी नहीं,
उनका जनाधार खिसक चुका है। नीतीश कुमार का चेहरा 2010 वाला नहीं है कि काम के चेहरे पर घूमे 115 सीट आ गया, वो चेहरा अब नीतीश कुमार का नहीं है। तो नीतीश कुमार किसी तरह चाहेंगे कि सीएम कुर्सी मेरे पास रहे, चाहे बीजेपी में जाकर रहे, आरजेडी में जाकर रहे, अगर नहीं रहता है तो असेंबली हम करा दो, यही स्थिति बनेगी। क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने वाला है आने वाले दिनों में, इतना आसान मसला नहीं है। देखिए लोकसभा का 40 सीट होता है और लोकसभा से बहुत ज्यादा रिलेवेंट ना नीतीश कुमार को है और लालू यादव को तो बिल्कुल ही नहीं है। नीतीश कुमार को बस इतने है कि बीजेपी को अधिक से अधिक डैमेज कर दो, कम सीट से सरकार बनाए और हम लोग का सीट थोड़ा बढ़े, इतना ही मतलब है। लेकिन विधानसभा बहुत डिसिसिव होगा, विधानसभा से पूरा बिहार का सत्ता का समीकरण तय होगा, इसलिए विधानसभा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ना बीजेपी करेगी, और बीजेपी चाह रही है कि अपना सीएम बैठे इस बार। बीजेपी अब क्यों नीतीश कुमार को साथ लेगी, क्या ऐसी मजबूरी है, क्या गारंटी है कि 24 में अगर विधानसभा में ले ले और 25-26 में ये फिर ना भाग जाए उधर, इस बात का बीजेपी को आशंका है। तभी ना अमित शाह के सार्वजनिक मंच में 3 बार कह चुके हैं कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ललन बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। बीजेपी क्यों कह रही है इस बात को, दिल्ली में फैसला ले लिया गया है, नीतीश कुमार को अपने एनडीए गठबंधन में नहीं लेना है, इस सांकेतिक मैसेज क्या क्लियर मैसेज है, तो बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। तो जनता समझ रही है, लेकिन ये सारा चर्चा जो है वो संसद के विशेष सत्र के बाद रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि बातें जो चल रही हैं, कल से ही खबरें शुरू हो गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन और सारे चुनाव विधानसभा लोकसभा एक साथ कराने पर चर्चा शुरू हो गई है। तो ऐसे में बिहार पर भी ये चर्चा जरूरी था, और आपको हम बता दें कि अगर ऐसा होता है तो बिहार ही नहीं पूरे देश के पॉलिटिक्स में काफी परिवर्तन आएगा, और जो वीडियो करेंगे हम विपक्षी दल जो INDA बनाए हुए हैं उसमें भी काफी दरार और उथल पुथल मच सकता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे और बताएंगे कि उसमें क्या हो सकता है अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है। क्योंकि ये अगर आज होता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव क्षेत्रीय दलों पर पड़ेगा और क्षेत्रीय दलों का ही जुटान हुआ है मुंबई में, तो देखिए क्या होता है आगे। बिहार को लेकर जो है अगर ऐसा घोषणा हो जाता है तो बिहार में काफी उथल पुथल हो सकता है और जो भी समीकरण अभी तक बने हुए हैं वो तार तार भी हो सकता है। फिलहाल ये सब भविष्य की बातें हैं, लेकिन चर्चा हम अभी किए। कैसा लगा आपको हमारा चर्चा, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।